फ्रेंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टेक। फ्रेंड हम आज के वीडियो में जानेंगे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा आप सभी छात्र बीए बीएससी बीकॉम हुआ एमए एमएससी एमकॉम हुआ बीएड एलएलबी बीबीए के स्टूडेंट है आप सभी छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म का जो भी फीस पेमेंट कैसे करना है और फ्रेंड फीस पेमेंट करने के बाद आप सभी छात्र जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट कैसे जो भी पीडीएफ में डाउनलोड करना और एग्जामिनेशन फीस का जो भी प्रिंट आउट आपको पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम यही जानेंगे आप सभी छात्र अपने मोबाइल फोन से एग्जामिनेशन फीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं और साथ में आप सभी छात्र जो भी एग्जामिनेशन का प्रिंट वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड आप सभी छात्रों को सेव फॉर्म करने से पहले एक बार जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन मैक्सिमम मार्क मार्क अपडेंट और जो भी सब्जेक्ट वगैरह एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना क्योंकि फ्रेंड अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप करेक्शन करने के लिए आपको कॉलेज के द्वारा ही करेक्शन होगा। जैसे फ्रेंड आप देख सकते दिया गया फॉर्म जमा करने से पहले कृपया अपना फॉर्म जाँच ले, स्वयं फॉर्म के संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड एक बार आप ध्यानपूर्वक देख ले उसके बाद फ्रेंड जो नीचे दिया है एस आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके जो भी आपका कैप्चर कोड है उसको फिलअप कर लेना। फ्रेंड हम कैप्चर कोड को फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड आप सभी छात्रों को जैसे कैप्चर कोड फिलअप हो जाएगा सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड अब जैसे सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट डिटेल वगैरह, स्टूडेंट कॉलेज नेम वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा, कोर्स नेम वगैरह सब कुछ, जिसमें फ्रेंड दिया गया फीस कम या ज़्यादा दिखने पर आपको पेमेंट नहीं करना। तो फ्रेंड उस स्थिति में आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना है। तो फ्रेंड आप देख सकते दिया गया पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जो भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड हम पे वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड ऑप्शन दिया प्लीज टेक ए नोट दैट योर फॉर्म नंबर, तो जो भी आपको पहले फॉर्म नंबर को स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो फ्रेंड आपको जो भी फॉर्म नंबर से प्रिंट या फिर बाद में फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड ओके करने के बाद फ्रेंड आप स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन दिया गया। तो फ्रेंड आप यूपीआई से वैलेट वगैरह किसी से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड हम यूपीआई से आप सभी छात्रों को फीस पेमेंट करके हम शो करते हैं। तो फ्रेंड आप सभी सबसे नीचे दिया गया वैलेट के जस्ट नीचे दिया गया यूपीआई। तो फ्रेंड यूपीआई के बाद फ्रेंड जो कि ऑप्शन दिया गया आप क्यूआर कोड से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं और जो भी यूपीआई आईडी से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम यूपीआई आईडी से ही जो कि हम क्यूआर कोड से ही फीस पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड आप सभी चाहते हो क्यूआर कोड का स्क्रीन शॉट लेके अपने फोन में जाना जो कि फोन पे ओपन करना है और स्कैन करके आप सभी चाहते हो जो भी फीस पेमेंट है उसको फीस पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड अब जो भी क्यूआर कोड वगैरह फीस पेमेंट करने से पहले आप सभी चाहते हो फोन पे से ही फीस पेमेंट करना है क्योंकि फ्रेंड गूगल पे वगैरह से फीस पेमेंट करने के बाद फंस जा रहा है। और फ्रेंड जो टाइमिंग दिया गया फ्रेंड आपको जो फीस पेमेंट करने के बाद आपको उतना टाइम वेट करना होगा। तो फ्रेंड हम फाइनली जो कि फीस पेमेंट क्यूआर से कर चुके हैं उसके बाद देख सकते कुछ नोट वगैरह दिया गया जिसमें फ्रेंड दिया पेमेंट सक्सेसफुली कांग्रेस। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर वगैरह ट्रांजेक्शन आईडी रेफरेंस नंबर वगैरह दिया गया जिसमें फ्रेंड देख सकते हैं योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो फ्रेंड जो भी आपने फॉर्म नंबर का स्क्रीनशॉट लिया उससे आप सभी छात्रों को फीस पेमेंट करने के बाद फीस स्लिप और रिसीप जो भी आपके एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट स्लिप भी आपको डाउनलोड करके शो कर देते कि आप सभी छात्रों को कैसे फीस स्लिप का और डाउनलोड करना है जो भी फॉर्म नंबर। फ्रेंड आप सभी छात्रों के एग्जामिनेशन का जो भी आपने फीस पेमेंट वगैरह ऑलरेडी कर चुके उसके बाद अगर आपको फीस स्लिप और जो भी एग्जामिनेशन प्रिंट डाउनलोड करना है तो एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर जो दिया गया था स्क्रीनशॉट जो कि आप वीडियो में पहले लिए थे उसको आप सभी छात्रों को देख सकते हैं सेकंड नंबर पे दिया गया व्यू प्रिंट फॉर्म करके दिया। तो फ्रेंड आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं रिसिप्ट फॉर्म करके दिया गया तो फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया जो आपने फॉर्म नंबर को कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड अब जो भी स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपको नहीं लिखने तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो भी कट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको कैप्चर कोड फिलअप करके फिर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम शो करते हैं। फ्रेंड हम फॉर्म नंबर और जो भी कैप्चर कोड को फिलअप कर चुके हैं फ्रेंड आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड अब जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड हम डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन दिया जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया गया डाउनलोड प्रिंट करके जो भी एग्जामिनेशन प्रिंट को डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्टूडेंट की डिटेल वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड आप जैसे डाउनलोड प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी पीडीएफ आपके फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है जिसमें फॉर्म नंबर, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट अपार आईडी, सब्जेक्ट सिलेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और फ्रेंड ऐसे ही आपको फीस स्लिप को भी हम डाउनलोड करके शो कर देते हैं आपको फीस स्लिप कैसे डाउनलोड करना है।
फ्रेंड आप जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद आप सभी छात्रों को जो भी एग्जामिनेशन फीस पेमेंट किए उसको भी आपको प्रिंट करके आपको कॉलेज में सबमिट करेंगे, तभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा। बिना आपके एग्जामिनेशन फॉर्म, बिना एग्जामिनेशन फीस के आपको कॉलेज में सबमिट नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड आपको जो भी प्रिंट करने के लिए आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना होगा। तो फ्रेंड आप जैसे स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे तो फ्रेंड जो आप देख सकते सेकेंड नंबर पर दिया गया व्यू प्रिंट करके, तो फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस के जस्ट ऊपर दिया गया पेमेंट रिसीप्ट करके दिया गया। तो फ्रेंड आपको एग्जामिनेशन फीस जो भी पेमेंट रिसीप्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आप सभी चाहते हैं जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर का स्क्रीन शॉट लिया था उसको आपको फिलअप करने के लिए स्टार्टिंग के दो डिजिट को आपको कट कर लेना होगा और जो भी फॉर्म नंबर है उसको फिलअप कर देना होगा। तो फ्रेंड हम फॉर्म नंबर को फिलअप कर चुके हैं, उसके बाद फ्रेंड आप सभी छात्रों को कैप्चर कोड को फिलअप करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड हम कैप्चर कोड को फिलअप कर रहे हैं, फिलअप करने के बाद फ्रेंड आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड अब जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म का जो भी प्रिंट होगा एग्जामिनेशन फीस का, जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं पेमेंट रिसीप्ट करके दिया गया, तो फ्रेंड आपका जो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे जिसमें फ्रेंड फॉर्म नंबर होगा, स्टूडेंट नेम हो गया, ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएगा। जिसमें फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना है जिसमें फ्रेंड आपको कोर्स नेम, कोर्स कॉलेज नेम वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। जिसमें फ्रेंड आपको प्रिंट करने के लिए जो कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे दिया गया है प्रिंट दिस करके दिया गया, तो फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड आपका फीस पेमेंट का जो भी स्लिप है जो कि आपके फोन के जो फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही आप सभी छात्रों को फीस पेमेंट आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड फॉर्म नंबर दिया गया, स्टूडेंट नेम दिया, ट्रांजेक्शन डेट वगैरह सब कुछ ओपन करके दिया गया, जिसमें फ्रेंड आप पीडीएफ में देख सकते हैं। आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना जिसमें फ्रेंड कोर्स नेम हो गया, कॉलेज नेम वगैरह, क्लास वगैरह सब कुछ दिया गया और सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। जिसमें फ्रेंड एग्जामिनेशन फीस हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, मार्कशीट फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड आपको जो भी प्रिंट करके आपको जो भी कॉलेज में सबमिट करना है, और फ्रेंड कुछ ऐसे स्टूडेंट पेमेंट करने के बाद पे जो भी फीस वगैरह डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करना होगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप सभी छात्रों की यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।